नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप एजुकेशन में। तो अब इस समय हम पढ़ेंगे चलना हमारा काम है, जो लिखा गया है, किसने लिखा है, शिव मंगल सिंह उर्फ सुमन, शिव मंगल सिंह। तो पहले हम बढ़ जाए, उससे पहले मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके साथ हैं आपके बीकॉम पूरी होने तक। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस कविता की ओर। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है नॉर्मल एक पोयम है, जिसमें हमें यही बोला गया है कि हर वक्त हमें चलना चाहिए, कौन सा भी मोड़ आ जाए, कौन सा भी मोड़ आ जाए, रुकना मत, चलते रहो। जिंदगी का यही मतलब है। अरे जिंदगी क्या हुई अगर तुमने मुश्किलों का सामना ना किया तो। जो मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ जाए, वही एक असली योद्धा कहलाता है, एक असली इंसान कहलाता है, है ना। तो चलो आगे बढ़ो, बैठो मत। चलना हमारा काम एक ऐसी कविता है जहां पर कवि सबको बोल रहे हैं कि चलते रहो, चलते रहो, कभी झुको मत, रुको मत, चलते रहो। चलना हमारा काम है। जीवन में दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, रोना भी पड़ता है, और कभी कभी तो झाड़ू भी मारना पड़ेगा। यही तो जिंदगी है मेरे दोस्तों, जीना सीखो। जिंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं, नॉर्मल, आज उसका प्रॉब्लम, आज इसका प्रॉब्लम, और हम उसी से ही हार जाके बैठ जाते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। छोड़ो ये सब, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। एक उदाहरण ले लो आपका ही, जो बच्चा फर्स्ट सेम में 83 लाया है और इस सेम में उसको लाना है 90, तो क्या करेगा वो, मेहनत करेगा और क्या। और जब वो थक जाता है तब भी उसके दिल में रहता है कि हाँ मुझे 90% लाना है इस एग्जाम में, और मैं ला के ही दम लूंगा। तो इसे कहते चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम मतलब ऐसे नहीं कि चलते रहो और एक रास्ता आ जाए उस पे मुड़ जाओ, ऐसे नहीं। अगर तुमको कुछ बनना है, कुछ बनकर दिखाना है, तो क्या करोगे, मेहनत करो। अभी वो 90% वाला 4 बजे उठकर नहीं पड़ेगा तो 90 नहीं 80 भी नहीं आएंगे उसको, ढंग से 80 भी नहीं आएंगे, मैं दावा दे रहा हूं। तो यही कविता में कहना चाहते हैं कि तुम कभी भी रुको मत, अगर रुक जाओ तो भी अपना दिल मजबूत करके आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि चलना हमारा काम है। तो धन्यवाद दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। आगे हम और अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, देखते रहिए टॉप एजुकेशन।